नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार टोला से वैकेंसी 2023-24 के बारे में। दोस्तों तो अब इस वैकेंसी को लेकर लगातार नई नई नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो गया है, तो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक जिले से नई अपडेट निकल कर आ रही है, यानी एक प्रकार से बोले तो एक प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया कि कौन से लोगों ने आवेदन किया और उनका क्या प्रतिशत रहा, कितना पर सिलेक्शन हो पाएगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दिए ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे बिहार हेल्प के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे आएंगे तो आपको सर्च बार में लिखना है बिहार टोला सेवक वैकेंसी 2023-24 भी लिख सकते हैं तो आर्टिकल आ जाएगा, इस पर सर्च ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो पहला वाला आर्टिकल दिखलाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है डायरेक्ट इसी वाले पोस्ट का हमने लिंक दे रखा है, ताकि जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इसी वाले पोस्ट पे चले आएंगे। अब सीधे चलिए मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे बहुत सारा वीडियो भी बनाया है किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है। तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी जो होने वाली, 10वीं पास होने वाली, जो कि 2578 पद वैकेंसी निकल के आई है। पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में अलग अलग पोस्ट निर्धारित किया गया है, जो कि आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता ही होगा। अब चलिए क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, यहाँ पाएंगे तो स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक टू ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नहीं तो अलग अलग जिले का अलग अलग यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं तो चलिए यहाँ पे दिखलाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले, जहाँ पर भी आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया अलग अलग जिले का, तो यानी कि गया जिला का भी आ गया है। और निजी के स्कोर लॉन्ग करेंगे तो बहुत से ऐसे जिले का लगता है नई नई डेली बाई डेली एक नई 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 सूचना आ ही रहा है, तो आपके जिले में अगर सूचना नहीं आए वैकेंसी के रिगार्डिंग तो चेक करते रहिएगा, हो सकता है कि इस हफ्ते में आ जाए नोटिफिकेशन जो भी बाकी के जिले है, तो अभी एक बार चेक कर लीजिएगा। अब नीचे के स्कूल डाउन करेंगे तो गया जिला के भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप बात कर लेते पटना जिले में यानी कल के डेट में एक नोटिफिकेशन आया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पटना जिले के एनआईसी पोर्टल पर ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद नोटिस ऑप्शन जाएंगे, रिक्वायरमेंट का ऑप्शन जाएंगे और यहाँ पे देखें तो 24 जनवरी 2024 के डेट में यानी कि एक लिस्ट जारी किया गया है। अब लिस्ट ये क्या जारी किया गया है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर आप यहाँ से हैं या अदर जिले से भी है तो आप वीडियो देखिए, क्योंकि आपके लिए भी वीडियो होने वाला है और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया इसके बारे में हम समझते हैं क्या बताया गया। यहाँ देखते जानकारी दिया गया कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी पटना साक्षरता संभाग पटना में दिया गया। सबसे पहले समझेंगे पटना जिला के अंतर्गत महादलित दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के अंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक तालमी मरकज के चयन हेतु विद्यालयवार रिक्त प्रकाशन किया गया था, यानी कि जिलावार मतलब विद्यालयवार जो भी सूची इसका प्रकाशन किया गया था। दिनांक 4/9/2023 तक सभी विद्यालय द्वारा आवेदन भी प्राप्त कर दिए गए थे, जो भी आवेदन लेने की प्रक्रिया था 4/9/2023 तक आवेदन भी लिए गए थे और आवेदन प्राप्ति के उपरांत अभ्यंतिक मेघा सूची यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयारी कर विद्यालय द्वारा हस्ताक्षर कार्यालय से समर्पित किया गया और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता के पत्रांक संघ इतना के दिनांक 12/9/2023 को द्वारा उक्त अभ्यंतिक मेघा सूची प्रकाशन यानी पटना NIC.in के वेबसाइट पर किया गया। अभ्यंतिक मेगा सूची के प्रकाशन के उपरांत विद्यालय द्वारा आपाधि प्राप्त करने का निराकरण भी किया गया, यानी कि जो भी इसका मेरिट तैयार किया गया था उस परिस्थिति में उसका एक आपत्ति भी डेट दिया जाता है कि अगर आपको किसी प्रकार का आपत्ति है तो आप इस पे आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, तो वो भी दिया गया था। अभ्यंतिक मेगा सूची का प्रकाशन करने के उपरांत विद्यालय द्वारा आपत्ति प्राप्त का निराकरण किया गया और तदुपरांत विद्यालय द्वारा अंतिम मेगा सूची का निर्माण किया गया, यानी इसपे बोल सकते हैं अंतिम मेगा सूची का निर्माण किया गया, लेकिन कदापि रिक्त विद्यालय में अभी भी आपत्ति दर्ज की जा रही है, यानी कि इसके लेकर तो मतलब अंतिम मेगा सूची तो जारी कर दिया गया है, लेकिन विद्यालय स्तर पर देखा गया है तो अभी भी लोग जो वैसे विद्यालय जहां पर अभी भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, जिसके ध्यान में रखते हुए अंतिम चयन स्थगित कर दिया गया, यानी इसको लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने वाला था पटना जिले में, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसे विद्यालय जहां पर आपत्ति दर्ज कराई जा रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ ये होना था, इस कास्ट के मतलब वैकेंसी होना था, हमारा इतना नंबर है लेकिन कम कर दिया गया, यानी किसी प्रकार का आपत्ति अभी भी दर्ज कराए जा रहे हैं, इसी को लेकर यानी जो भी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है यानी अंतिम मेगा सूची की किनका किनका सिलेक्शन हुआ है वो सूची अभी रोक दिया गया यानी स्थगित हो रहा गया और इस सूचना के साथ संलग्न सूची के अंकित विद्यालय का अभिलेख जांच KRP द्वारा किया गया है, यानी इस प्रकार से फिर से यानी कि एक प्रकार से बोलोगे तो सूची जारी कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं टोला से शिक्षा से तालीम चयन से संबंध पर भी प्रपत्र दिया गया है कि किस विद्यालय में किस प्रखंड के अंदर
रजनीकांत वैकेंसी होनी थी, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये दे दिया गया नोटिफिकेशन में, जो कि यहाँ पे देख लाए 22/1/2024 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा यहाँ सिग्नेचर वगैरह भी देख सकते हैं। मतलब इतने में वैकेंसी होनी थी जो कि बता दिया गया। अब इसको लेकर यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिया गया कौन से लोगों ने आवेदन किया है, कितना किए हैं। तो आप इसमें अगर आपने देख लीजिए आपके प्रखंड के अंदर का जो लिस्ट है यहाँ पे आता हुआ, तो आप इसमें देख लीजिए। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर पहला जो लिंक है इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके हम आपको दिखलाते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो देश प्रखंड का नाम है नौबतपुर और पंचायत का नाम है फरदपुर और वार्ड टोला का बात करें तो सॉरी रामपुर का है, जो कि किस जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी से जो भी आते हैं आवेदन कर सकते हैं। यहाँ केवल महिलाओं के ही सीट रखा गया था। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या बोला गया, कहाँ पे कौन सा सीट रखा गया था। तो इसमें आप देखेंगे तो बता दिया गया, तो आप आवेदन किए होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जानकारी दिया गया, आवेदक का नाम दिया गया, पिता पति का नाम दे दिया गया, महिला पुरुष कौन सा सीट था, तो महिला का था तो महिला ही केवल आवेदन की होंगी। तो जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया महिला और उनका जन्मतिथि और मैट्रिक में उनका कितना प्रतिशत का मतलब कितना नंबर का एग्जाम होता है वहाँ पे देख लो उन्होंने कितना अंक प्राप्त किया। तो जिनका सबसे ज्यादा था उनका मतलब फर्स्ट में रखा गया। एक प्रकार से बोले तो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है कि ताकि लोग देख पाए उनको, अगर आपको किसी प्रकार का आपत्ति है तो आप इसमें देख पाए। जो भी मतलब प्रतिशत तैयार किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर ही विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, जिनका मार्क्स आता होगा तो उनको मिला जाता है। देख सकते हैं इनका सबसे ज्यादा मार्क्स है तो 70.80% आ रहा है और इनका कम है 69.20% आ रहा है। इसी तरह से एक मेरिट तैयार किया गया है जो कि यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बावजूद भी काफी ज्यादा लोग मतलब जो भी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि नहीं हमारा काम कर दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं किनका सबसे ज्यादा और किन लोगों ने आवेदन किया है, कहां कहां से आवेदन किया, तो एक प्रकार से आप देख भी सकते हैं और किस जाति की बहुलता थी उसमें भी बता दिया गया है। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो थोड़ा सा अभी तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। अब जाहिर से बात है जिनका मतलब प्रतिशत ज्यादा होगा, जिनका मार्क्स ज्यादा होगा, तो उनका तो सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात कहा गया था कि ये मैट्रिक के आधार पर ही इसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं इनका 95% है, तो जाहिर से बात है इनका सिलेक्शन हो पाएगा। इसी तरह आप अपना देख लीजिएगा कितने लोगों ने आवेदन किया है।